रिसाला हफ्त मसल में हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की ने लिखा है, न सिर्फ मिलाद को मुस्तहसन समझता हूँ बल्कि हर साल मुनक़द भी करता हूँ, शिरकत भी करता हूँ। तो हाजी साहब तो करते थे, इसमें क्या हर्ज है? हाजी साहब थे सूफ़ी आदमी, बुज़ुर्ग थे, वो सूफिया के इमाम थे। याद रखना, शरीयत के मसला में फ़कीह की और आलिम की बात हुज्जत हुआ करती है, किसी सूफ़ी और बुज़ुर्ग की बात हुज्जत नहीं हुआ करती। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात ख़ुद लिखी है कि इस जगह अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद अबू यूसुफ का कौल मोतबर है, न कि किसी शेख का कौल मोतबर है। शरीयत में, दीन में अमल कौल हुज्जत है तो फुकहा का, उलमा का शरीयत में कौल हुज्जत होता है, सूफिया का कौल मज़हब में हुज्जत नहीं हुआ करता। इसलिए कि वो बाज़ दफ़ा गलबे हाल में होते हैं, गलबे हालत जज्ब में होते हैं, हालत शुक्र में होते हैं, उनको पता नहीं चलता बाज़ दफ़ा। तो सूफिया के कौल और फेल से इस्तिदलाल करना ये कोई इल्म की बात नहीं है। अखबारुल अखियार में भी ये बात नकल है, रियाजुल फतावा में भी ये बात नकल है, और नारा तहकीक हक चारियार में भी ये बात नकल है कि दीन में हुज्जत कुरान और सुन्नत है। सूफिया का कौल मशरब पीर हुज्जत नेस्त, मशरब पीर हुज्जत। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं, मैं ये अखबारुल अखियार में वाक्य लिखा हुआ है, बरेलवियों ने इसको कई किताबों में नकल किया है। वो कहते हैं कि मैं आया, देखा कि कवाली हो रही है, कवाली भी साज पे, और पीर साहब भी बैठे हैं। ये जब देखा कि कवाली और साज, ये वापस हुआ, लोगों ने कहा, अरे तू वड्डा मौलवी आ गया, तू बड़ा आलम उठा है, तू बड़ा बुजुर्ग है, तेरे पीर साहब तो अंदर बैठे हैं। तो उसने कहा, दलील अज किताबो सुन्नत, दलील किताबो सुन्नत से हो सकती है, मशरब पीर हुज्जत नेस्त, पीर का तरीका हुज्जत नहीं होता। ये कह के चले गए। हजरत बहुत खुश हुए और कहा कि बिल्कुल ठीक कहता है, कुरान और सुन्नत तो हुज्जत हो सकती है, कुरान और सुन्नत से तो दलील हो सकती है, पकड़ी जा सकती है, पीर के तर्ज अमल से हुज्जत दलील नहीं पकड़ी जा सकती। बात समझ आ रही है? हमने उनको पीर बनाया है, हमने उनको फकीर तो नहीं बनाया। भाई पीर का काम क्या होता है? अंदर की बीमारियां, बुग्स, कीना, इनाद, ये इस किस्म की बीमारियों को सफा करे, न कि शरीयत समझाएगा। शरीयत समझाना ये फकीर का काम है, तरीकत समझाना ये सूफी का काम है। बात समझ आ रही? हर चीज़ को उसके दायरा कार में रखो, उनका अपना काम था, इसलिए वो उधर तो हुज्जत है, बाकी शरई मसला में हुज्जत नहीं है। और याद रखना, मैंने आपको एक बात और बताई थी, फाजिल बरेलवी कहता है कि खिलाफ मजहब बाज़े मशायखे मजहब का कौल मोतबर नहीं है। मालूम हुआ कि कौल भी मोतबर नहीं होता, हुज्जत नहीं होता, और उसकी मशीखत में भी फ़र्क। बस बात साफ है।